एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। तो तुम सब ठीक हो ना? अम्फन जो स्टॉर्म हुआ था ना, हम सब अभी घर में ही थे। बहुत जोर से हवा चलते रहा और पेड़ सब कुछ तोड़ फोड़ हो गया। तो हम सब ठीक है, चलो आप शुरू करें। तो आज मैं कक्षा UKG में हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए चली आई हूँ। तो तुम्हारे पाठ का नाम क्या है? मेरी सप्तमाला। अभी तो तुम सब जान गए हो ना, तो तुम्हारे पाठ का नाम क्या है? मेरी सप्तमाला। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो तुमको मैंने क्या बोला था? अ से औ तक क्या कहते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर को तुम LKG में अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना, तो आप हम क्या सीखते जा रहे हैं? व्यंजन। क से जो भी जो जो हो उन सभी को क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी में अ से औ तक इन सभी अक्षरों को कहते हैं स्वर, और क से जो भी होता है ए क ख ग घ ऊं च छ इन सभी को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन। चलो बट फिर पढ़ लेते हैं, रोजाना पढ़ना इस व्यंजनों को और स्वरों को रोजाना पहले पढ़ना, उसके बाद जो भी करना चाहे, कलर हो, कनेक्ट हो, जो भी करना चाहे कर सकते हो, लेकिन पहले पढ़ना। तो ये क्या है? क, क से क्या? कबूतर। उसके बाद ख, ख से क्या? खरगोश। उसके बाद ग, ग से क्या? गधा। उसके बाद घ, घ से घड़ी। उसके बाद ओंग। तो क ख ग घ अंग। उसके बाद क्या है? च। उसके बाद छ, ज झ या, ट ठ, ड ढ र, त थ, द ध न। ठीक है, जब मेरे साथ बोलो तो मैंने तुमको क्या पूछना चाहता हूँ, देखो द से क्या होती है मैं तुमको पूछना चाहता हूँ, तो तुम क्या बोलना? द से दवात होती है। अच्छा बोलो तो थ से क्या होती है? थ से थन। और ठ से क्या? ठ से ठटेरा। झ से क्या बोलो तो? हाँ, झ से झरना। ट से क्या? ट से टमाटर। ओके, चल आज कुछ मैच करके देखते हैं। ये देखो, तो आज का दिनांक क्या है? 27, 5 और 20 आज का दिनांक। मैच देखो, ये क्या है? पक्षी, जो भी पक्षी हो जाए, यहाँ पर कबूतर, ये टमाटर, ये है दवत और ये है ढक्कन। यहाँ पर ये क्या है बोलो? ट। उसके बाद क्या? ढ। उसके बाद क। उसके बाद द। तो अभी मैच करके देखते हैं कौन यहाँ पर किए। कुछ चित्र है, एक पक्षी है, इसका नाम है कबूतर, उसके बाद टमाटर, सब्जी है, यह है दावत, पेनों का काली है, यह है ढक्कन, और यहाँ पर कुछ अक्षर है। ये अक्षरों के साथ चित्रों को मैच करना है और मिलाना है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मिलाना। अक्षरों के साथ चित्रों को मिलाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ईजी है। चलो, टो से क्या? टो से टमाटर। उसके बाद अच्छा, को से क्या? को से कबूतर। दो से क्या? दो से दवात। ढ से क्या? ढ से ढक्कन। तो देखा, ट से टमाटर,
उसके बाद ढ से ढक्कन, द से दवत, क से क्या कबूतर। ओके चलो, और एक चीज मैं आज तुमको सिखाने वाला हूँ। देखो जैसे हिंदी में अक्षर होती है, ठीक उसी तरह मात्राओं को भी जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे बांग्ला है हमारा जमन अवा शिखी, तार साथे हमारे मात्राओं सीखते हैं, हिंदी में भी ठीक उसी तरह मात्राओं को सीखना चाहिए। इसका टाइटल क्या है देखो, हिंदी मात्रा ज्ञान। ये क्या है, इसका नाम क्या है, आ। ये क्या है, आ। ये है आ की मात्रा, इसके ध्वनि वही आवाज कैसे होती है, आ। ये क्या है, आ। तो आ से देखो अक्षरों के साथ आ इसी तरह होती है, अक्षरों के साथ आ इसी तरह। तो क्या हुआ, का। ख पर ये मात्रा है तो उसका उच्चारण कैसे होगा, ख। ग के साथ हो तो ग, तो ये है आ की मात्रा। उसके बाद क्या है, छोटाई। छोटाई देखो इसी तरह बंगाली की तरह ही है, बंगाली मात्राओं की तरह। छोटाई की उच्चारण कैसे होती है, छोटाई। देखो क के ऊपर छोटाई की मात्रा क्या होती है, की। का की। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, बड़ाई। बड़ाई की मात्रा दीर्घ होती है, जैसे छोटी थोड़ा कम छोटी, लेकिन बड़ाई की मात्रा बड़ाई बहुत दूर तक जाती है। तो ये क्या है, बड़ाई। ये देखो ये है बड़ाई की मात्रा, ये क पर बड़ाई की मात्रा क्या हुई है, की। इसके बाद क्या है देखो, छोटा उ। ये देखो ये छोटा ऊ की मात्रा, ये क्या है, छोटा ऊ की मात्रा। क पर छोटा ऊ की मात्रा क्या हुआ, कू। ख पर होती तो खू, ग पर होती तो गु। तो का की कू। उसके बाद क्या है, बड़ा ऊ। ये है बड़ा ऊ की मात्रा, तो इसका नाम क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा। तो क पर बड़ा ऊ की मात्रा होने से क्या होती है, कू। का की कू कू। उसके बाद क्या है, री। ये क्या है, री की मात्रा। क पर री की मात्रा की हो क्या हुआ होती है, क्री ख्री ग्री। ये इसका नाम क्या है, री। ये क्या, कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ये है आ, इसको कहते हैं आ की मात्रा। उसके बाद छोटा ई, ये है छोटा ई की मात्रा। ये है बड़ा ई, ये है बड़ा ई की मात्रा। छोटा ऊ, ये है छोटा ऊ की मात्रा। ये है बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा। ये है री, इसको क्या कहते हैं, रू की मात्रा, री की मात्रा। क्री ग्री यानी। तो घर में जोर जोर से मेरी तरह पढ़ना। ओके स्टूडेंट, तो आज यही तक, बाय।